इसका समझ गया ना, ये दो ब्लॉक है 2 kg का, एक 1 kg का, इस पे फोर्स 10 न्यूटन का लग रहा है, तो हमको बताना है कि इस दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा और इसमें टेंशन कितना होगा इस टेस्ट स्ट्रिंग में। जल्दी करो। या मैं करूं, रिवाइज की हो ना इसको। तो मैं बोला था ना कि इसका रिकॉर्डिंग देख के आने के लिए, तो जब भी नहीं आओ तो कम से कम उसका रिकॉर्डिंग देख के आओ, ठीक है? जस्ट पिछले क्लास में मैंने कराया था। हाँ, एक जो उस दिन जैसे फ्राइडे को ये जो है ना उधर शिफ्ट हो रहा था, ये तो वेनेसडे को तुम आई नहीं थी, वेनेसडे को ही मैं कराया था। देखो कुछ नहीं है, तो जैसे अब इसका जैसे 2 kg ब्लॉक हमने लिख दिया, तुम बताओ कितना आया तुम्हारा। जैसे ये 2 kg ब्लॉक हमने लिख दिया, तो ये तो नॉर्मल mg ये सब तो बताया था। नॉर्मल क्या होता है? ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑन विच इट इज प्लेस्ड। mg क्या होता है? वर्टिकली डाउनवर्ड होता है। और टेंशन ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे मान लो कि टेंशन टी है, ठीक है? तो हमने बताया था कि एफ इजक्वल टू एम ए, कैसे इसको यूज करना है, ठीक है? तो फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है? तो इस ये बताओ कि ये ब्लॉक किधर मूव करेगा, ये 2 kg का ब्लॉक किधर मूव करेगा? इस साइड मूव करेगा। तो जिस साइड मूव करेगा उसके डायरेक्शन को हमने एक्स ले लिया, ठीक है? तो इसी डायरेक्शन में उसका क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा जिस डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है? तो हमने बताया था कि जो फोर्स, जो भी फोर्स एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में हो उसको पॉजिटिव लेते हैं, उसके जो अपोजिट डायरेक्शन में होता है उसको निगेटिव लेते हैं, और जो परपेंडिकुलर होता है उसको क्या करते हैं? जो परपेंडिकुलर होता है उसको पेंडिकुलर होता है उसको नहीं लेते। नहीं लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे मोशन के डायरेक्शन में टी है और ये दोनों तो परपेंडिकुलर है, तो टी इजकल टू लिख देंगे एम इंटू ए, तो टी इजकल टू लिख देंगे 2 इंटू ए लिख देंगे। इसको इक्वेशन हमने क्या कर दिया? 1 कर दिया, ठीक है? इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसका लिखते हैं, जैसे 2 kg ब्लॉक है, सॉरी 1 kg, तो ऊपर की ओर नॉर्मल लगेगा, नीचे की ओर क्या लगेगा? mg लगेगा। और टेंशन ऑलवेज पुल द ऑब्जेक्ट, तो इस डायरेक्शन में क्या लगेगा? t लगेगा। और इस डायरेक्शन में क्या लगेगा? f लगेगा। और इसका एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में होगा, ठीक है? तो हमने बताया जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो उस डायरेक्शन में जो भी फोर्स हो उसको पॉजिटिव, एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में वो निगेटिव और परपेंडिकुलर होता है तो उसको छोड़ देते हैं इक्वल टू ए में। तो बताओ ये क्या होगा, फोर्स पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, तुम बताओ। और ये तो इसमें हम लिखेंगे क्या, एफ माइनस टी इक्वल टू कितना हो जाएगा? एम इंटू ए, इस दोनों को तो छोड़ देंगे, तो ये कितना है? 10 माइनस टी इक्वल टू मास ए है, तो इसको ए इक्वेशन कर देते हैं। 2, 3, 4 इक्वेशन जितना भी है दोनों को ऐड करो, दो इसमें दो ही आ जा रहा है, सारे इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, तो 1 प्लस 2 कर देते हैं, तो टी इजक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 ए। और ये कितना? 10 माइनस 2 इजक्वल टू कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो इस टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 10 इजक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 ए।
इसलिए ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10/3 m/s। अब इस टी की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, इसी में पुट कर दो, तो टी फ्रॉम फर्स्ट टी इज इक्वल टू कितना है, 2a है, तो 2 और एक्सेलरेशन कितना है 10/3, तो कितना हो जाएगा 20/3 न्यूटन हो जाएगा। बस ये निकलना होता है। आया है तुम्हारा क्या? हाँ ठीक है ठीक है, समझ में आया कि कैसे करना था? तो जिस दिन भी नहीं आओ उस दिन का रिकॉर्डिंग देख के आओ, तब समझ में आएगा, ठीक है। और मैंने बोला था कि सेकंड थर्ड फोर्थ इस तीन चैप्टर में अगर अब्सेंट हो गए तो फिर दिक्कत हो जाएगा। यही तीन चैप्टर बेसिक है, इसी सब चीज़ का आगे यूज होना है। ठीक है, ये उसके बाद में एक इंक्लाइन प्लेन पे मैं बताऊंगा। जैसे मान लो कि ऐसे हैं, ये क्या है, पुली लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे मास है तुम्हारा 5 kg और एक मास यहाँ पे है तुम्हारा 2 kg। बताओ कौन मास किधर मूव करेगा? 2 kg दोनों का स्पीड सेम होगा या डिफरेंट होगा? तुम बताओ, सेम होगी। ये तो स्ट्रिंग है, ऐसा हो सकता है कि जैसे मान लो कि अगर मान लो कि ट्रेन ट्रेन कुछ ऐसे है, ये सब बोगी है, कोचेज है और यहाँ पे इंजन है, तो ऐसा हो सकता है कि इंजन का और ये सब जितने कोचेज हैं सबका स्पीड डिफरेंट हो सकता है, या हो सकता है कि इसका एक्सेलरेशन कुछ और हो और इस सबका कुछ एक्सेलरेशन डिफरेंट हो? कभी नहीं हो सकता है। इसलिए ये एक ही स्ट्रिंग है या अलग स्ट्रिंग है? एक ही स्ट्रिंग है, तो हमने बताया था सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन, और टेंशन ऑलवेज पुल द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसलिए दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा? सेम होगा, और इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में ए होगा और इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा, इसमें तो कोई डाउट्स नहीं होने चाहिए। अब बॉडी डायग्राम हम ड्रॉ कर देते हैं। जैसे मान लो कि ये 5 kg है, तो इसमें कौन कौन सा फोर्स लगेगा जल्दी बता दो, तुम बताओ। हाँ 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 mg, और कोई फोर्स लगेगा? नीचे लगेगा mg, ऊपर की ओर लगेगा टेंशन, इसका एक्सेलरेशन नीचे की ओर है, तो इसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे जल्दी बताओ तुम। मैंने क्या बताया था, हमने क्या बताया था कि जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो उस डायरेक्शन में जो भी फोर्स हो उसको क्या लेते हैं, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो तो एम जी क्या है, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, एम जी माइनस टी इक्वल टू एम इंटू ए, ठीक है। अब कर दो, जी 10 ले लो, जी की वैल्यू मान लो कि 10 हम ले लेते हैं 10 m/s², तो कि 50 - t इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 × a, इसको इक्वेशन हमने 1 कर दिया। अच्छा ये 2 kg का बताओ क्या क्या लगेगा, पहले इक्वेशन बताओ, तुम बताओ तो, तुम बताओ तो, नहीं किस डायरेक्शन में, पहले बताओ फोर्स बताओ किस डायरेक्शन में लगेगा, नीचे ऊपर टेंशन नीचे एम जी, एक्सेलरेशन इसका किस डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में है, ए ऊपर की ओर है, तो इक्वेशन बताओ क्या लिखेंगे इसमें, तुम बताओ। तुम बताओ टी इक्वल टू उसी डायरेक्शन में मूव हो रहा है ना जहाँ से पुल कर रहा है।
तो टी माइनस एम जी होगा ना। मैंने क्या बताया कि जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रहा है उस डायरेक्शन में जो भी फोर्स है उसको पॉजिटिव, उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसको निगेटिव। तो क्या लिखेंगे इसमें, टी माइनस एम जी इजकल टू एम ए, पहले इक्वेशन लिख दो ठीक है। तो टी माइनस 20 इजकल टू कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, इक्वेशन 2 हो गया। अब दोनों को ऐड करो, किसके एक्सेलरेशन 2 kg। अच्छा ये बताओ कि जैसे मान लो कि एक स्ट्रिंग से हमने दोनों ब्लॉक बांध दिया, अटैच कर दिया, और एक पुली पे हमने रख दिया, तो क्या ये स्टेशनरी रहेगा या ये कौन ऊपर जाएगा कौन नीचे जाएगा, थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो। तो हमने क्या बताया था, जिस पहले इसका हमने बॉडी डायग्राम में तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने बताया कि जिस डायरेक्शन में मोशन एक्सेलरेशन हो उस डायरेक्शन में जो फोर्स है उसको हम क्या लेते हैं, तो इसमें टी क्या है, कुछ इस दर टी है माइनस एम जी इजकल टू एम ए, इसमें क्या दिक्कत है, समझ में आया कि नहीं आया। एक ही बात को एक ही बार को मैं दो दो बार पिछले क्लास, अगर ये सरफेस पे होता तो एम जी लगता, तो एम जी तो परपेंडिकुलर होता तो नहीं लगता। हमने बताया कि पहले बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उस डायरेक्शन में जो भी फोर्स हो वो सभी क्या लेंगे पॉजिटिव, उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स हो निगेटिव, और उसके परपेंडिकुलर हो उसको छोड़ देंगे, उसको नहीं लेते हैं, बस यही करना है। देखो एसएल से ही मैं करा रहा हूँ, देखो ये सब एसएल से ही मैं करा रहा हूँ, क्योंकि इसका क्वेश्चन एनसीईआरटी में देवे दिया ही नहीं है। हो गया इसमें तो बताओ आंसर बताओ। देखो अब ये क्वेश्चन मैं दूंगा करने के लिए, ये क्वेश्चन देख लो, यहाँ पे सेम इसी टाइप से है तो ये करके बता दो। हाँ इसको भी करो, ये है तुम्हारा 12 kg और यह है 10 kg। इसमें हमको फाइंड करना है एक्सेलरेशन फाइंड करना है और टेंशन फाइंड करना है। बताओ कितना आया, थर्टी अपॉन में 7, एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, ए इजक्वल टू आ जाएगा 30/7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इतना ही लिख दो। और टेंशन बताओ, तुमको कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ दिशा। अच्छा ऐसा है कि जब भी अब्सेंट हो जाओ तो कम से कम जो रिकॉर्डिंग है वो देख के आया करो, उसमें सब कुछ मैं बताया था कि कैसे कैसे फोर्स लेना है। 28.4 आ रहा है, कितना रहा, अच्छा जो भी है। चलो इसको करके बताओ, इसको करके बताओ, इस क्वेश्चन को करके बताओ, बताओ 12 केजी है वो कि इधर जाएगा ऊपर है या नीचे, और 10 केजी दोनों का एक्सप्रेशन सेम होगा या डिफरेंट होगा, तुम बताओ। हाँ दोनों का एक्सेलरेशन साइन चेंज हो जाएगा, मैग्नीट्यूड बताओ। अगर इसका मान लो कि ऊपर की ओर मान लो कि 2 m/s² है तो इसका नीचे की ओर कितना होगा, अच्छा चलो ठीक है मैग्नीट्यूड
इक्वल होगा ना। अगर इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड है तो इसका वेलोसिटी नीचे की ओर कितना होगा? 5 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग तो इलोंगेट नहीं होगा, ठीक है। हाँ करो करो जल्दी करो। एक और इंक्लाइन प्लेन पे है वो बताना है अभी इसके बाद में। तो ये बताओ कि तुम्हारे स्कूल में क्या पढ़ाई होता है, एनसीईआरटी या एसएल? तुम्हारे स्कूल में एनसीईआरटी, तुम्हारे स्कूल में एसएल? अपने हिसाब से भी करवा देती है, अगर क्वेश्चन से लेकर नॉलेज करवाती है तो वही हमें तो अपने खुद के नोट्स होते हैं और सारे ऐसे ही होते ना, हैं वही सब जो क्वेश्चन है सभी एसएल से हैं। नहीं, एनसीईआरटी ही होना चाहिए स्कूल में, तो एनसीईआरटी ही पढ़ाई होना चाहिए। तो दिक्कत होती है ना, तो पहले सुनो, स्कूल में तो करवा सुनो, एसएल अरोरा क्या जेई की बुक है? तो फिर भी थोड़ा वो तो बन ही जाता है, फिर एनसीईआरटी तो बिल्कुल ही सिंपल है। सिंपल है ये। अगर जेई पहले एनसीईआरटी अच्छी तरह से पढ़ लो, उसके बाद में बेस्ट बुक जानती हूँ जेई के लिए कौन सा है? एचसी वर्मा। तुम गूगल पे सर्च करो तो एच सी वर्मा करो। तो तो चलो अभी तो नहीं, ये 3 चैप्टर थोड़ा बेस से अच्छी तरह से कर लो, उसके बाद में लास्ट में मैं एच सी वर्मा कराऊंगा। पहले तो एन सी आर टी थोड़ा बेसिक तो हो जाए, ये सब चीज़ की कैसे सोल्व होगा। तो भी एम सी एफ फिटीजी में जाने से आई आई टी के करा देते हैं, ये आती है ऐसा उससे पूछे हो कि भी एम सी में कितना समझ में आता है, या तुम्हारे भी स्कूल के बहुत सारे बच्चे जाते होंगे उनसे पूछे हो कि कितना समझ में आता है वहाँ पे। चलो चलो जल्दी बताओ कि कितना कितना सबको पहले कर लेने दो। तुम ठीक है, तुम कर लिए, तुम बैठे रहो। अच्छा तुम्हारा कितना है जल्दी बताओ, तुम इक्वेशन लिख के दिखाओ, सिर्फ इक्वेशन लिख के दिखाओ। चलो फिर भी डायग्राम लिख दिए तो इक्वेशन लिख के दिखाओ। देखो एक ही चीज़ याद रखना है, पहले तुम बड़ी डायग्राम ड्रॉ कर दो, ये तो तुम कन्फर्म हो गई कि ये क्या जाएगा, ऊपर या नीचे? एक किधर मूव करेगा, ये 12 kg ये स्ट्रिंग है, तो एक नीचे जाएगा एक ऊपर जाएगा, कौन नीचे जाएगा बताओ? हेवी है तो नीचे जाएगा। इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा, इसका इसका एक्सेलरेशन ऊपर की ओर कितना होगा, ये होगा। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, इक्वेशन लिखो। तो बड़ी डायग्राम दिखाओ, तो बड़ी डायग्राम कैसे लिखी हो तुम? ये है तुम्हारा 10 kg का ऊपर टी, नीचे की ओर एम जी, और हाँ ठीक है, और 12 kg का हाँ बनाओ। तो तुम कैसे लिखी हो, हाँ टी माइनस एम जी इज्कल टू एम है, ठीक है, और एम की वैल्यू पुट करो तो टी माइनस 10 × 10 100 इज्कल टू 10 है। हो गया, तो जल्दी बता दो तुम लोग की कितना आया। अच्छा तुम तो बता दिए, और जो बता दिए
जो कर लिए वो इस क्वेश्चन को करके बता दो। चलिए कर रही है तो बता दो। अभी जस्ट मैं बताऊंगा, पहले और बच्चों को भी कर लेने दो। ये सेम स्ट्रिंग है या डिफरेंट स्ट्रिंग है दोनों? जैसे 10 kg है, ये 5 kg है और ये 2 kg है। इसमें भी एक्सेलरेशन और टेंशन निकालना है। और ये क्या है? फिक्स्ड है। तुम दोनों इक्वेशन लिख के दिखाओ पहले। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। अच्छा फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में बता दो। 10/22। अच्छा देखो, देखो मैं यहाँ पे करके बता रहा हूँ, देख लो यहाँ पे। देखो जैसे 12 kg का है तो ऊपर की ओर t लगेगा और नीचे की ओर mg, ठीक है। इसका एक्सेलरेशन तो नीचे की ओर होगा, इसमें तो कोई डाउट्स नहीं है। हम क्या लिखेंगे? mg माइनस टी इक्वल टू कितना हो जाएगा? एम इंटू ए, तो कितना हो जाएगा? 120 माइनस टी इक्वल टू 12 a हो जाएगा। बताओ इसमें अगर कोई डाउट्स हो तो। अच्छा 10 kg का लिख दिए, 10 kg का, 10 kg का ऊपर में टेंशन और नीचे में कितना होगा mg, इसका इक्वेशन बताना। टी माइनस एम जी, टी माइनस एम जी हो जाएगा इजकल टू स्मॉल एम इंटू ए हो जाएगा, तो टी माइनस 100 इजकल टू 10 a हो जाएगा। ये दो इक्वेशन होगा, दोनों इक्वेशन को ऐड करो, फर्स्ट प्लस सेकंड कर दो। तो देखो 80 और 80 कैंसिल आउट हो जाएगा, 120 माइनस कितना हो जाएगा? 100। तो 120 माइनस 100 कितना हो जाएगा? 20। और ये कितना हो जाएगा? 12 और 10 22 ए, तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा? 20/22, दैट इज 10/11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इतना आया है? माइनस में कैसे आ जाएगा? तुम दोनों उस क्वेश्चन को ऐड करो तो। एक इक्वेशन आ रहा है, देखो एक इक्वेशन आ रहा है, एक देखो एक इक्वेशन आ रहा है, 120 माइनस टी इक्वल टू 12 है। कैसे कैसे शिफ्ट की थी? दोनों इक्वेशन को ऊपर नीचे लिख के ऐड करो। देखो एक ही क्वेश्चन आया था तुम्हारा, 120 माइनस टी इक्वल टू 12 a हो जाएगा और दूसरा इक्वेशन हो जाएगा टी माइनस 100 इक्वल टू 10 a हो जाएगा। दो इक्वेशन ये आया, अब दोनों को ऐड कर दो। देखो यहाँ पे टी निगेटिव, यहाँ पे टी पॉजिटिव, ए और कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 120 माइनस 100, तो कितना हो जाएगा? 20 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 22 a हो जाएगा। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा? 20/22, दैट इज 10/11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बस हो गया। और इस ए की वैल्यू किसी एक क्वेश्चन में पुट कर दो तो टी आ जाएगा। अच्छा चलो इसको सोल्व करके जल्दी बताओ। अब ये क्वेश्चन पहले वाले के तीनों इक्वेशन बनाओ। अच्छा बताओ ए ब्लॉक किस डायरेक्शन में मूव करेगा? नीचे की ओर। ए ब्लॉक नीचे की ओर, ए ब्लॉक
ऊपर की तरफ ए ब्लॉक, ये सबका एक्सेलरेशन सेम होगा या डिफरेंट होगा, तुम बताओगी, बताओ। अगर मान लो कि मैग्नीट्यूड सेम होगा, अगर इसका मान लो कि ए है तो इसका भी इस डायरेक्शन में होगा, इसका भी ए होगा, ठीक है। अब तीनों का इक्वेशन लिख दो और ऐड कर दो। अच्छा चलो अभी मैं देखूंगा जो भी है, एक मिनट पहले। एक मिनट रुक जाओ। अच्छा तुम लोग कर लिए क्वेश्चन सोल्व करना शुरू कर दिए? थोड़ा इसको चेंज कर लो, इसको एट कर लो और इसको कर लो टू, तो बुक्स एकदम एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, और इसका कर लो फोर, समझ गए। तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, ये कुछ ऐसे हो जाएगा और ये कुछ ऐसे हो जाएगा, ठीक है। चलो ये करके बता दो हमें, नहीं इसको करके बता दो, इसको करो, हाँ इसको करो, इसको करो, इसको करो, इसका आंसर और टेंशन सब कुछ इस बुक में है, तो उसको देख के मैं बता दूंगा, जल्दी करके बता दो। चलो इसी को करके बता दो। फिर देखो ये क्या लिखे हो, तो टी टू ऐसे नहीं लिख सकते, या छोटा ही लिखना है तो ऐसे लिखो ना, ये क्या लिखे हो, इसका बता दो एक्सेलरेशन, इक्वेशन बता दो, नहीं एक्सेलरेशन बताओ डायरेक्ट और टेंशन बताओ। एक्सेलरेशन आना चाहिए, चलो तुम पहले इक्वेशन लिख के दिखा दो तीनों का, पहले दिखाओ इक्वेशन, दिखाओ किसका लिखी हो तुम पहले, ये एट का, एट के जी का, इधर टी, दोनों जगह टी लिख दी हो, गलत हो गया। देखो हमने क्या बताया था, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो उस डायरेक्शन में फोर्स होता है उसको पॉजिटिव, उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है निगेटिव। तुम क्या लिखियो इधर एम जी, तो ऊपर नॉर्मल भी तो दिखाओ, तुम्हें ही दिक्कत है ना, जो दिन देखो ए किसी सरफेस पे रखा हुआ है तो इस पर नॉर्मल फोर्स भी लगेगा, ये जो एयर में हैंग है उसमें नॉर्मल फोर्स नहीं लगेगा। तुम दिखाओ तुम्हारा कौन सा इक्वेशन लिखियो, टी टू तो अच्छा सुनो, ए टू के जी है, फोर के जी है, तो ब्लॉक इधर मुख कर,
एम जी क्यों लिखेंगे? वो मैं पहले के हिसाब से कर रही थी, मैंने वैल्यू है मैंने क्या उसका बताया? नीचे वो है ऑप्शन क्या बता रहे हैं एक्सेलरेशन की वैल्यू, ये ऊपर बताओ नीचे बता तुम्हारा रहे कितना हैं आ रहा है? 30/7। प्रैक्टिस सॉल्व करके बताओ, पॉइंट में बताओ। 30/1 मेरी 1.4 है। 1.4, ठीक है, करेक्ट है। नहीं, एक्सलरेशन है 1.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इक्वेशन बना दो, तो इक्वेशन को सॉल्व कर दो। अच्छा देखो, मैं इक्वेशन बताता हूँ। देखो पहले 4 kg का लिखता हूँ, 4 kg का बताओ क्या होगा। सुनो, इस डायरेक्शन में एम जी लगेगा, एम जी वर्टिकली डाउनवर्ड, और ऊपर की ओर टेंशन ऑलवेज स्ट्रिंग ऑलवेज पुल द ऑब्जेक्ट। इसका एक्सलरेशन नीचे की ओर है, तो इसका इक्वेशन क्या लिखेंगे? एम जी एक्सलरेशन के डायरेक्शन में क्या है? एम जी, उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या है? टी। तो एम जी माइनस टी इजक्वल टू कितना हो जाएगा? एम इंटू ए हो जाएगा। तो इसको लिख दो, 40 - t इजक्वल टू 4 * a हो जाएगा। इसको इक्वेशन ने 1 कर दिया, इसमें तो कोई डाउट्स नहीं है। बताओ, अच्छा 2 kg का पहले लिखता हूँ। 2 kg का बताओ क्या क्या लगेगा? ऊपर टेंशन, नीचे की ओर एम जी, और ऊपर की ओर ए है। तो इसका इक्वेशन क्या लिखेंगे? टी माइनस स्मॉल एम जी इक्वल टू स्मॉल एम ए। तो ये हो जाएगा टी माइनस एम जी, कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, और इक्वल टू 2 a हो जाएगा। इसको इक्वेशन 2 कर देते हैं, ठीक है। बताओ इसमें अगर कोई डाउट्स हो तो। अच्छा अब 8 kg का लिखते हैं। 8 kg का बताओ क्या होगा? इधर इस डायरेक्शन में मान लो कि हमने टी लिया, और इधर भी टी लिया, T1 कर दो, इधर T1 कर दो, और इधर T2 कर दो। तो इधर T2 कर दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा इसमें कितना लगेगा? T2। इस साइड में कितना लगेगा? T1। ऊपर की ओर लगेगा N, नीचे की ओर Mg। देखो जब भी किसी सरफेस पे हमने नॉर्मल रिएक्शन लिखाया था पिछले क्लास में, नॉर्मल रिएक्शन स्ट्रिंग पर से पुल करता है, तो इस डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में? ऐसे। तो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है बताओ तुम? T2 और एक अपोजिट डायरेक्शन में T1। तो हमने क्या बताया कि जो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में उसको पॉजिटिव, जो उसके अपोजिट डायरेक्शन में निगेटिव, और जो परपेंडिकुलर है उसको छोड़ देते हैं, नहीं लेते हैं, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे T2 - t1 = m * a। तो T2 - t1 = कितना हो जाएगा? 8 * a, इसको इक्वेशन 3। और तीनों को ऐड कर दो, तीनों इक्वेशन को ऐड करो। अच्छा चलो ठीक है, मैं ऐड करता हूँ यहाँ पे, 1 + 2 + 3। तो फर्स्ट इक्वेशन है तुम्हारा 40 - t2 = 4a। सेकेंड इक्वेशन है T1 - 20 = 2a। थर्ड इक्वेशन है T2 - t1 = 8a। इसमें तो कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। अच्छा देखो यहाँ पे T2 क्या है बोलो, निगेटिव या पॉजिटिव? और यहाँ पे T2, तो इससे ए कैंसिल आउट हो जाएगा। जब इक्वेशन को ऐड करेंगे तो दो इक्वेशन हो, तीन इक्वेशन हो, चार इक्वेशन हो, सारे टेंशन कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये याद रखना। तो यहाँ पे कितना है? 40। तो 40 और ए माइनस कितना हो जाएगा? 20। और इसको ऐड करो तो कितना हो जाएगा? 14 a हो जाएगा। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा? 20/14। इसको सोल्व करो तो 1.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ए की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, T1 आ जाएगा, सेकेंड में पुट करके T2 आ जाएगा। चलो सोल्व करो तो T1 T2 कितना है? एक टेंशन है, 24.8 एक है 22.4, और दूसरा है 33.6। इसी के आसपास आना चाहिए, क्योंकि जी इसमें कितना लिया? 9.8 लिया हुआ है, 10 लिया हुआ, तो थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। फिर से करके बताओ, 22 और 33 आ रहा है।
1.4 टेंशन एक्सलेशन आ रहा है 1.4। चलो पहले सॉल्व करके बताओ कि वन कितना आ रहा है। T1 4.8 कैसे आ जाएगा? क्योंकि वो भी तो, अच्छा चलो चलो ठीक है, मैं अभी सॉल्व करके बताता हूँ, मैं अभी करके बता रहा हूँ। जैसे इसी में मैं फर्स्ट में पुट करता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन से लेता हूँ, देखो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन लेता हूँ, तो इसमें गिवन है फ्रॉम सेकंड T1 माइनस 22A, तो T1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 प्लस 2A हो जाएगा, बता दो ये सरनो। तो 20 और 2 इंटू कितना हो जाएगा 1.4, तो 20 प्लस कितना हो जाएगा जल्दी बताओ, 2.8, 22.8 न्यूटन। और दूसरा निकालो, दूसरा इसमें पुट करके निकाल लो, बस ठीक है। T2 की वैल्यू, अब इसमें A की वैल्यू पुट करके T2 निकाल लो। हाँ ठीक है ठीक है, तो बताओ इसमें क्या दिक्कत है? इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना है, F इक्वल टू MA करना है, एप्लीकेशन ही एप्लीकेशन है, ठीक है। चलो अब इंक्लाइन प्लेन पे बताता हूँ एक दो की इंक्लाइन प्लेन पे कैसे हम लिखते हैं, हो गया। अब जैसे मान लो कि कोई ब्लॉक इंक्लाइन प्लेन पर रखा हुआ हो, ये एंगल थीटा हो, यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ, और यहाँ पे सपोज करो कि ऐसे गिवन हो, ठीक है, ये पहले देख लो, तो यहाँ पे क्या लगेगा जल्दी बता दो, कौन कौन सा फोर्स लगेगा इस एन पे? नॉर्मल फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑन विच ब्लॉक इज प्लेस्ड। अगर मान लो कि सुनो, जैसे मान लो कि ऐसे ब्लॉक रखा हुआ हो तो इस पे नॉर्मल फोर्स ऐसे लगेगा, ठीक है। अगर मान लो कि ब्लॉक ऐसे रखा हुआ इंक्लाइन प्लेन पे रखा हो तो इस पे नॉर्मल फोर्स ऐसे लगेगा, जिस सरफेस पे रखा गया हो उसके परपेंडिकुलर लगता है, ठीक है। तो इस पे नॉर्मल फोर्स तुम्हारा ऐसे लगेगा, और mg क्या लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, इसमें तो कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। अच्छा तो अब देखो, अच्छा ए एंगल थीटा है, ये तुम्हारा कितना है 90, तो ये एंगल कितना हो जाएगा बताओ, तो कॉन्फिडेंस से बोलो 90 माइनस थीटा। अच्छा ए वाला एंगल कितना है, 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा थीटा, ठीक है। तो एम जी का अब दो कंपोनेंट होगा, एम जी का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना हो जाएगा, एम जी थीटा एंगल बना रहा है कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में कितना एंगल बना रहा है 90 माइनस थीटा, तो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना हो जाएगा जल्दी बता दो। सभी वेक्टर पढ़ लिए, जैसे एम जी यहाँ पे ऐसे बन रहा है, तो एम जी का इस डायरेक्शन में ये एंगल थीटा है, तो एम जी का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना हो जाएगा, एम जी कॉस थीटा। मैंने कितना बार बताया था कि जैसे मान लो कि ये पी है, ये एंगल थीटा है, तो जिसके साथ थीटा बनाता है उसके साथ कौन सा कंपोनेंट होता है, कॉस, तो पी कॉस थीटा, और ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा पी साइन थीटा। तो वही ये चीज बता रहा हूँ, ये मान लो कि तुम्हारा ये एम जी ऐसे है, इसके साथ इस पे हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, तो इसके साथ एंगल बन रहा है थीटा, तो एम जी का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना हो जाएगा, एम जी कॉस थीटा, और ए एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा एम जी साइन थीटा। समझ में आया कि कैसे लिखा? अब देखो तुमको कैसे करना है, अब तुम लोगों को ऐसे लिख देना है, ये थीटा है, अब फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है, इस पे नॉर्मल ऐसे, और नॉर्मल के अपोजिट डायरेक्शन में एम जी कॉस थीटा, ठीक है।
और ये ब्लॉक किस डायरेक्शन में मूव करेगा, अगर छोड़ दिया जाए तो ब्लॉक किस डायरेक्शन में मूव करेगा, नीचे या ऊपर? तो नीचे की तरफ जिस डायरेक्शन में मूव करेगा एम जी साइन थीटा, अगर स्ट्रिंग लगा हुआ है तो इस डायरेक्शन में टेंशन, समझ गए? तो अब ऐसे याद रखना है, जिस सरफेस पे रखा हुआ है उसके परपेंडिकुलर नॉर्मल, और नॉर्मल के अपोजिट डायरेक्शन में एम जी कॉस थीटा, और इंक्लाइन पे नीचे की ओर एम जी साइन थीटा, अगर स्ट्रिंग है तो ऊपर की ओर टेंशन। चलो इसको नोट कर लो, बताओ अगर इसमें कोई डाउट हो तो, समझ गई? तो जाके एक बार चलो, अभी तो पेपर की तैयारी करो, अभी कल तो पेपर की तैयारी करो, लेकिन पेपर की तैयारी करने के बाद में कौन कौन सा पेपर कब कब है? कल फिजिक्स, अगले मंडे मैथ है, फिर ट्यूसडे केमिस्ट्री। इस फिजिक्स अगले मंडे मैथ, और फिर अगले मंडे उसका नहीं, फिर अगले दिन ट्यूसडे केमिस्ट्री। हाँ तो पीसीएम, तो तुम एसएल की बुक ले लो और एसएल से करो, जो तुम्हारे स्कूल में एसएल कराया जाता है। तो आज तो है नहीं, आज आप ले लो, ले जाओ ऐसे वो सभी क्वेश्चन मैं कराऊंगा एक बार जब तो ना, कौन कन्वर्जन वाला। अच्छा ठीक है, अभी मैं कन्वर्जन सब समझाऊंगा। जैसे मैं एक बार ये सब इस चैप्टर को कंप्लीट करता हूँ ना, फिर से एक बार अब एसएल इस सब के थोड़ा डिफरेंट टाइप के मुश्किल क्वेश्चन कराऊंगा। अभी तो मैं बेस बता रहा हूँ कि अभी जैसे अभी देखो इसमें कितने कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है एच सी वर्मा में, तो अभी तो एच सी वर्मा से मैं कुछ उठाता भी नहीं हूँ, एक भी क्वेश्चन नहीं कराता हूँ, तो थोड़ा बेस बन जाए तब तो मैं मुश्किल क्वेश्चन बताऊँ। अभी तो बच्चे अभी तो तुम लोगों को तो अभी 10th पास करके आए हो, अभी क्या पता कि 10th में तो न्यूटन का फार्मूला ही बताया जाता है फिजिकल 2A में, ये सब अप्लीकेशन है कि कैसे फर्स्ट लॉ को अप्लाई करोगे। अभी थर्ड लॉ का अप्लाई अप्लीकेशन बताऊंगा कि थर्ड लॉ को कैसे अप्लाई करना है, ठीक है? चलो अब जब भी इंक्लाइन प्लेन पे रखा हो तो फ्री बॉडी डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे, इसको ड्रॉ करना है, इसको नहीं, समझ गए ना? अब डायरेक्ट इसको ड्रॉ करेंगे, जिस प्लेन पे रखा हुआ उसके ऊपर नॉर्मल, उसके नॉर्मल के अपोजिट डायरेक्शन में क्या एम जी कॉस थीटा, और इंक्लाइन प्लेन पर नीचे की ओर एम जी साइन थीटा, ठीक है? अब इस पे क्वेश्चन मैं देता हूँ। हो गया, अब देखो इस केस में हमको क्या निकालना है, एक्सेलरेशन और टेंशन फाइंड करना है। इसमें देखो सेम स्ट्रिंग है या अलग अलग स्ट्रिंग है, दो स्ट्रिंग है बताओ, एक स्ट्रिंग तो सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन, ठीक है? तो मान लो कि इसमें टेंशन टी है, ठीक है? पहले मैं करके बताता हूँ, देखो इसको मैं करके बताता हूँ, ठीक है? तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए एंगल कुछ भी बता दो, इस एंगल को बताओ थीटा इक्वल टू कुछ भी बता दो 45 डिग्री ले लो, ठीक है कोई बात नहीं। तो पहले हम इसका लिखते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, तो 10 केजी का फ्री बॉडी डायग्राम। अच्छा ये बताओ कि कौन ब्लॉक किधर मूव करेगा, बताओ तो कैसे, क्यों? हाँ वेट ज़्यादा है तो इसका नीचे आएगा, थोड़ा प्रैक्टिकली सोच लो, तो इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है और इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा, बता दो यस और नो, ठीक है? तो 10 केजी में फ्री बॉडी डायग्राम जिससे मैं पूछूंगा वही बताएगा, तुम बताओ 10 केजी का, तुम उस दिन नहीं आई थी, तुम बताओ जल्दी। 10 केजी का क्या बताना है, कौन कौन सा फोर्स लगेगा किस डायरेक्शन में? 10 केजी का नीचे एमजी, नीचे एमजी, ऊपर टेंशन, एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में, इसका इक्वेशन बता दो, नेट फोर्स इक्वल टू एम में, एफ इक्वल टू एम में, तो एम जी हो जाएगा तुम्हारा 100
माइनस टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, टेन इंटू ए हो जाएगा, इसको इक्वेशन हमने वन कर दिया, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तुम इसका बताओ, तुम बताओ इसका बताओ किस डायरेक्शन में लगेगा, सरफेस के परपेंडिकुलर, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर हमने एन लगा दिया। मैंने क्या बताया अभी, क्या बताया था अभी, हमने बताया था कि एम जी कॉस थीटा लिखना है, एम जी साइन थीटा लिखना है, बताओ तो इस डायरेक्शन में क्या होगा, जस्ट इसके परपेंडिकुलर एम जी कॉस थीटा और टेंशन किस डायरेक्शन, हाँ टेंशन इस डायरेक्शन में, और भी कोई फोर्स लगेगा, तुम बताओ किस डायरेक्शन में एम जी साइन थीटा, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि नीचे की ओर एम जी साइन थीटा, लास्ट में थीटा की वैल्यू 45 पुट करेंगे। अच्छा बताओ इसका इक्वेशन बताओ, ये ब्लॉक किधर जाएगा, इसका इक्वेशन किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में, तो इसमें इसका इक्वेशन क्या लिखेंगे, टी माइनस जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो उस डायरेक्शन में फोर्स होता है उसको हम पॉजिटिव, तो टी पॉजिटिव, उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या है, एम जी साइन थीटा निगेटिव, और ये दोनों परपेंडिकुलर है, छोड़ देंगे इसको, लेंगे ही नहीं, तो टी माइनस एम जी साइन थीटा इक्वल टू एम इंटू ए, एकदम बट डालनी पड़ेगी। अच्छा सुनो, रूट टू की वैल्यू नहीं है तो तुम ऐसा करो कि 30 डिग्री ले लो, 30 ले लो, ईजी हो जाएगा थोड़ा, ठीक है 30 ले लेते हैं थीटा, ठीक है, तो टी और एम मास कितना है तुम्हारा 2, तो कितना हो जाएगा 20, और साइन 30 कितना हो जाएगा 1/2 इक्वल टू 2 इंटू ए हो जाएगा, ठीक है, तो इससे कट जाएगा ये 10 हो जाएगा, तो टी माइनस 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा, इसको इक्वेशन 2 करो, दोनों इक्वेशन को ऐड करो, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, अच्छा जो भी है, तो दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे 1 + 2, तो ये हो जाएगा 100 माइनस टी इक्वल टू 10a हो जाएगा, और ये हो जाएगा टी माइनस 10 इक्वल टू 2a हो जाएगा, अब इस टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा, 100 माइनस 10 कितना हो जाएगा 90 इक्वल टू कितना हो जाएगा 12a हो जाएगा, a इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 अपॉन में 12, ठीक है, और अच्छा जो भी है, और इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा, ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब a की वैल्यू a फर्स्ट में पुट कर देंगे या सेकंड में पुट कर देंगे तो हमारा t आ जाएगा, अब देखो मैं ये दे रहा हूँ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट कर लो, जो भी है एक सिलेशन आ गया तो इसके बाद में तो फिजिक्स के काम हो गया, उसके बाद में मैथमेटिक्स के काम है, ठीक है। एक्सेलरेशन आ गया ना, अब टेंशन तुम लोग पुट कर दो आ जाएगा,
देखो ये क्वेश्चन है, इसमें भी वही फाइंड करना है, एक्सलरेशन ऑफ टू ब्लॉक और टेंशन। चलो ये करके बताओ, ये क्वेश्चन है, इसमें भी एक्सलरेशन और टेंशन फाइंड करना है। बताओ कि कौन ब्लॉक किधर जाएगा। हाँ ठीक है, तो ठीक है, अब एम जी नहीं लिखना है, एम जी कॉस थीटा, एम जी साइन थीटा कर लिखना है, दोनों इंक्लाइन प्लेन पे ऐसे। एक फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किया था ना, दोनों को ड्रॉ कर दो, और इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा और इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा। ठीक सर है, हमने क्या बताया कि इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करके इक्वेशन लिख, इसे बोले क्या बोला। हाँ तो एम जी अब नहीं लिखना है, एम जी कॉस थीटा, एम जी साइन थीटा लिखना है। ऊपर की ओर नॉर्मल, उसके अब नॉर्मल के अपोजिट डायरेक्शन में एम जी कॉस थीटा, इस डायरेक्शन में टेंशन, इसके अपोजिट डायरेक्शन में एम जी साइन थीटा। ड्रॉ करो दोनों इक्वेशन, ड्रॉ करो। इसमें साइन थीटा लगेगा। अब चलो करो, साइन थीटा दोनों में लगेगा। दोनों का छाप बना के अलग अलग बनाना है। अलग अलग बनाना है या दोनों को एक साथ कैसे बनाओगे। हाँ तो करके बता दो, बन जाएगा तो ठीक। अभी तुम्हारे स्कूल में क्या हो रहा है बताओ, समझने में कोई दिक्कत होता है कोई, तुम्हारे में क्या चल रहा है। सेकंड हो गया, सब कुछ समझ में आया, और तुम बताओ बाल भारती में क्या चल रहा है। अच्छा तो वेक्टर के बाद में, वेक्टर पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, प्रोजेक्टाइल मोशन है सब नहीं हुआ कंप्लीट। सर ऐसे नहीं कर सकते, अब इसको यहाँ पर बनाना है, दूसरा वाला यहाँ हाँ पर। बना दो, एकदम बना दो। टेंथ पे वही कंप्लीट कराएंगे प्रोजेक्ट टेंथ, फिर लर्निंग स्ट्रेट लाइंस वगैरह। चलो ये चैप्टर जैसे कंप्लीट होता है ना, फिर हम शुरू से चलेंगे। अब थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन बताएंगे, पहले तो तुम लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, अब तो कुछ फिजिक्स आ रहा है ना। अब तो पेपर 25 से मेरे पास पास हुआ है। पूरा अच्छा रात, तो जो भी है क्वेश्चन तुम ऐसा करो ना कि फोटो खींच के इसका ले जाओ, इसका जो भी इसका इसका फोटो ले लो ऐसे रहेगा एस एल आर ओरा का, नहीं तो फिर डीसी चौक हम पढ़ाने जाएंगे तो फिर वहाँ भी तो बच्चे पूछेंगे। क्या नहीं डालनी पड़ेगी, रूट थ्री की वैल्यू डालनी पड़ेगी। इक्वेशन लिख के तुम लोग दिखा दो अच्छा मुझे। तो मेरे को बता दो कौन कौन से क्वेश्चन है थोड़े इम्पोर्टेंट वो कर लूंगी, अच्छा क्योंकि चलो बहुत ठीक है, सारे हैं। बहुत सारे हैं तो क्वेश्चन मैं बता दूंगा, मार्क कर दूंगा। ठीक है जो भी डाउट्स हो तो तुम उसका फोटो खींच के भेज देना, मैं सॉल्व करके भेज दूंगा। ठीक है सर 50 kg वाले के बन रहे हैं, 250 - t = 250 अच्छा, इक्वेशन लिख के तुम रखो और कैलकुलेटर ही है तो सॉल्व करो, उसमें मैं आंसर देख के बता देता हूँ। एक्सलरेशन है 0.12 m/s² एक्सलरेशन है 0.12 और टेंशन है 244। या मैं करूं सोल्व। sin 60 कितना होता है, √3/2। ये भी वैल्यू याद करना चाहिए ना, cos 60 1/2।
0.12 उतना ही आ रहा है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमारा क्या आ रहा है? निगेटिव ही है। देखो इसमें आंसर देखो क्या लिखा हुआ है। नहीं वो थोड़ी टूटेगा, तो इसमें देख लो और इसमें टेंशन भी देख लो, जल्दी करके बताओ। पहले इक्वेशन दिखाओ तुम। एक मिनट रुक जाओ, इक्वल टू 50 है ठीक है, साइन 30, हाँ 30, साइन 30 हाफ होता है ठीक है, इतना हो गया। और इसमें लिख दी टी एम जी रूट 3/2। इक्वेशन तो बिल्कुल ठीक है, कैलकुलेशन कर दोगी आ जाएगा ये। हाँ 1.73 डालो, कितना है? 0.12। अब उसकी वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करके टी निकालो, आ रहा है 244। तो समझ में आया एप्लीकेशन ऑफ सेकंड लॉ कैसे अप्लाई करेंगे फिजिकल टू एम में? कोई भी बॉडी हो इसी टाइप से गिवन होगा, स्ट्रिंग से कनेक्टेड होगा, अब उसमें क्या करना है देखो, इसी टाइप से देख रही हो सब, ये सब तो आप कर सकती हो कि नहीं? ये सब पॉइंट्स में आ रहा है। हाँ पॉइंट्स में ही आएगा ये सब, अभी ये मैं बताऊंगा कि कैसे इसको करना है। यहाँ पे थॉट 0.11, हाँ ठीक है ठीक है। यही है सेकंड लॉ का एप्लीकेशन, अभी यहाँ पे थर्ड लॉ यूज होगा तो इसलिए मैंने नहीं बताया अभी, यही सब चीज़ें ये तो अभी मैं कराया था, ये सब इक्विलिब्रियम का है, इक्विलिब्रियम में अभी पढ़ाया नहीं। इसमें टी की वैल्यू कितना है बताना? 244। तो एप्लीकेशन ऑफ सेकंड लॉ हमने करा दिया, जितने टाइप का क्वेश्चन होता है इसमें सभी टाइप का हमने करा दिया, बस कुछ नहीं है एक बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो, सुनो एप्लीकेशन ऑफ सेकंड लॉ में क्या करना है, कोई भी बॉडी गिवन है उसका बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर दो, टी एम जी नॉर्मल दिस दैट, डिसाइड कर लो कि ब्लॉक किधर मूव करेगा, डिसाइड कर सकते हैं। तो जिस डायरेक्शन में मूव करेगा उस डायरेक्शन में जो भी फोर्स हो उसको पॉजिटिव, उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसको नेगेटिव, और जो परपेंडिकुलर है उसको छोड़ देते हैं। बस इक्वेशन लिख दो और इक्वल टू एम ए कर दो, और जितने इक्वेशन है 2, 3, 4, 5 जितने भी इक्वेशन आता है पहले सबको ऐड कर दो, ऐड कर देंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा और ए की वैल्यू से भी पुट करके टी1 टी2 टी3 निकाल लेंगे, यही काम करना है ठीक है। तो एक इंक्लाइन, इसको बोलते हैं क्या, इंक्लाइन प्लेन, और इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में मैं पढ़ाऊंगा न्यूटन्स थर्ड लॉ, जैसे ऐसे है दोनों ब्लॉक ऐसे हैं, अगर मान लो कि इसको मैं धक्का मारूं ऐसे तो ए ब्लॉक इस पे फोर्स लगाएगा किस डायरेक्शन में बताओ, तो ए ब्लॉक इस पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, लेफ्ट साइड में लगाएगा। अगर मान लो कि 1 है ए 2 है तो ए एफ 2-1 ऐसे लगाता है, यानी कि फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो ए भी ए 2 ब्लॉक भी इस पे फोर्स ऐसे लगाएगा एफ 1-2, और इस केस में एफ 1-2 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू
एफ 21 का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है। और इसमें क्या लिखे हो, क्या होता है थर्ड ला, एवरी एक्शन एज इक्वल एन रिएक्शन, ठीक है। ये वहाँ पे थर्ड ला में पढ़ाऊंगा, एक और क्वेश्चन में पढ़ाऊंगा थर्ड ला में, जैसे एक ब्लॉक यहाँ पे है, एक ब्लॉक यहाँ पे है, ऐसे एक के ऊपर एक रखा हुआ, तो ए ब्लॉक उस पर नॉर्मल फोर्स ऊपर की ओर लगाएगा, तो ए ब्लॉक भी नीचे की ओर फोर्स लगाएगा। तो ये थर्ड ला में मैं बताऊंगा कि थर्ड ला का कैसे अप्लाई करना है, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, ठीक है, ठीक है।